हिरासत में मौत से सीतामढ़ी में सनसनी फैली हुई है। दरअसल सीतामढ़ी के पुनौरा थाना पुलिस के हिरासत में एक 50 साल के व्यक्ति की मौत मामले को लेकर सीतामढ़ी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे। मृतक नागेश्वर राय को पुलिस ने नॉन अवेलेबल वारंट और कुर्की जब्ती के न्यायालय से आदेश निकलने के बाद रविवार को हिरासत में लिया था। नागेश्वर राय अपने पटीदार के साथ हुए मारपीट की घटना में आरोपी था और वारंट के आधार पर पुनौरा थाना के प्रभारी दिनेश राम ने रंजीतपुर गांव से नागेश्वर राय को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद रास्ते में नागेश्वर राय की अचानक तबीयत बिगड़ गई। जब पुलिस उसे लेकर सीतामढ़ी के सदर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घंटे के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहीं मृतक नागेश्वर राय के भाई तेज नारायण का आरोप है कि रास्ते में पुलिस ने उसके भाई के साथ टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से उसके भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हिरासत में मौत के बाद सीतामढ़ी प्रशासन के बीच खलबली मच गई। पुलिस महकमा के बड़े अधिकारी तत्काल सदर अस्पताल पहुंच गए और मामले की तहकीकात करने लगे। डीएसपी रमाकांत उपाध्याय भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि मृतक नागेश्वर राय के विरुद्ध आपसी विवाद को लेकर मामला दर्ज था। गया है, पकड़ के लाया, रास्ते में टॉर्चर करके मैंने क्या किया नहीं किया, दस्तक के आदमी बीमार भी थे पहले से? नहीं, बीमार उमार नहीं थे, एकदम स्वस्थ थे। किस मामले में उठा के लाया? किस मामले में लाया तो वही ना जानेंगे, हम लोग को कुछ पता है। वो किए गए सीधे दरवाजे पर, दूगो गड़ी से लगाए हैं, लमसम 15-20 आदमी फोर्स था, बैठा के ले, कपड़ों नहीं पहनने दिए, सीधे कहते बैठो बैठो बैठो, सीधे ले चले आए हैं। रास्ते में क्या किया नहीं किया, 2 घंटा पहले। कहाँ से पकड़े हैं? रंजीतपुर से। मौत हो गई है क्या? हाँ, डेथ हो गया है। क्या नाम है मृतक का? मेरा नागेश्वर यादव नाम है मृतक का। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। नागेश्वर यादव का कुर्की निकला हुआ था, जिसमें थाना प्रभारी गया था, उनको गिरफ्तार करके ला रहा था। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई, पहले वहाँ ले गया डिमरा PHC में, वहाँ से कहा कि उनको लगता है कि अटैक है, आगे ले गए सदर हॉस्पिटल में, उनका मृत्यु हो गई। आगे की प्रक्रिया की जा रही है। किस मामले में गई थी पुलिस गिरफ्तार करने? एक कुर्की जब्ती था, उनका मामला है। मामला है 2008 का। परिजन सर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, तो जांच करनी से है। मृतक नागेश्वर राय के परिजनों का सीधा आरोप है कि पुलिस टॉर्चर से ही उसके परिजन की मौत हुई है। सीतामढ़ी से खुलासा के लिए चंदन देव की ये रिपोर्ट।